अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं आज बना रही हूँ खजूर की मिठाई जिसमें ड्राई फ्रूट डलते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले चीज़ें दिखा देती हूँ। मेन इंग्रेडिएंट में शामिल है हमारे पास 10 तकरीबन खजूरें और एक, क्योंकि सर्दी है ना तो इसमें अखरोट के नट्स ज़्यादा डालने हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर गुड़ डाल जाएगा क्योंकि खजूर में मीठा होता है। उसके बाद आप अगर ये वाला नारियल डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, इसको क्रश कर लें तो फिर भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मुंह में नहीं आएगा, बारीक बारीक रहेगा। इससे 10 से 15 बादाम हसब ज़रूरत हसब जायका आपको अच्छे लगते ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें 2 चम्मच जो है वो बेसन डालेंगे, 2 चम्मच ही आप डालेंगे सूजी। इसमें आप डालेंगे तकरीबन ये भी 4-1 चम्मच जो है ये मूँगफली छीली हुई, और उसके अलावा आप डालेंगे इतनी ही जितनी नट्स हैं, स्पिनट हैं, उतनी ही किशमिश आप डालेंगे, और 2-4 दाने जो हैं इलायची का पाउडर, और 2-3 टुकड़े जो हैं वो दालचीनी के, ये पीसे हुए, ये बाबत बताऊंगी आपको। और लास्ट पे आपने तिल डालने हैं, और ये थोड़ी सी चीड़ और कमरकस है ये भी पीसी हुई, ये मैं भून के आपको दिखाऊँगी। और इन सब चीज़ों को हम तैयार करेंगे खालस देसी घी में। ये है देसी घी और इसमें आप इसको तैयार करेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा डालेगा इसमें। चलिए शुरू करते हैं। पहले ना आपने खजूरों को थोड़ा सा पानी डाल के इन खजूरों को आपने बॉईल करना है, खूब नरम हो जाए। इतना पानी डालना है जिसमें सिर्फ ये नरम हो जाए। अगर आप चाहें तो आप दूध भी कर सकते हैं, लेकिन दूध अक्सर जो होता है वो फटने का अंदेशा रहता है, इसलिए आप उसको पानी में ही वो करें। जी ये खजूरें मैंने कर दी, इनको सिंपली आप ये सारी चीज़ें पीस ली हैं, अखरोट भी और ये नट्स, नट्स में आप पिस्ता भी ले सकते हैं, काजू भी ले सकते हैं, ये मूँगफली है, ये अखरोट है, ये बादाम है, और ये है किशमिश। इसको मैंने धो लिया, ये जिस वक्त हम भूनेंगे ये खुश्क हो जाएगी। उसके अलावा ये हमने पीस ली हैं, और इलायची और दालचीनी इसको भी पीस ली है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो खजूर है इसको मैंने सॉफ्ट कर लिया है, जब हम इसको रोस्ट करेंगे घी में तो इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। और अभी हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले ना हमने ये जो हमारे पास तिल है ना, इनको हमने हल्का सा हल्की आंच पे थोड़ा सा रोस्ट कर देना है, क्योंकि इसका जो अपना ऑयल जो होता है ना वो निकल आता है। ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है, ये नज़र के लिए तिल बहुत अच्छे हैं। ये डाल के इनको रोस्ट करना है हल्का सा, हल्की सी आँच पर हमने इनको रोस्ट करना है। ज़्यादा हमने तेज़ आंच नहीं रखनी, इनका ऑयल जो होता है ना जो दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है वो निकल जाता है। आंच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है। ज़रा सा इसके अंदर हमने घी डाल देना देसी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। एक से 2 मिनट हल्की सी आंच पे हमने इनको रोस्ट कर। अभी जो नट्स हैं ना हमारे, हमने इनको एक प्लेट में उंडेल लिया, ठीक है, ये हमने निकाल लिए सारे। अभी हमने ना दूसरा फ्लैंग पैन लेना है, उसके अंदर हमने क्या करना है, थोड़ा सा घी डाल के सबसे पहले हमने क्या करना है, सूजी को भून लेना है, ठीक है, थोड़ा सा घी डालना है। ये ज़्यादा डल गया, चलो हमने अब आपने ना इसको सूजी को थोड़ा भून लेना है, ठीक है, हल्का सा इसका रंग तब्दील हो जाए। और साथ ही में ना आपने ये जो दालचीनी और इलायची है इसका पाउडर आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। इसको जब तक इसका थोड़ा सा रंग तब्दील हो जाए, आपने इसको इतना भूनना है इसका थोड़ा सा रंग तब्दील हो जी। खुशबू आ गई आपको अच्छी सी, इलायची की भी और सूजी की भी। आपने चूल्हे को हल्का कर देना है और आपने इसको उंडेल देना है, ठीक है। अब आपने फिर इसमें थोड़ा सा डालना है देसी घी, चीड़ कमर का सा ना, इसको आपने इसमें रोस्ट कर लेना, ठीक है, ये इसको अच्छी तरह आपने रोस्ट करना है, ठीक है। ये रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह, ये फूल जाएगा और इसको आप चाहें तो पीस लें। ये गर्म हुआ, इसमें आपने बेसन जो 2 चम्मच आपके पास है ये आपने डाल देना, ठीक है। ये अच्छी तरह आपने भून लेना इसको, ताकि इसकी जो स्मेल होती है ना खास किस्म की वो ना रहे इसमें। तो ड्राई ड्राई चीज़ें जिसमें थोड़ा सा घी पड़ता है, ये दूसरा फ्राइंग पैन मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि उसमें अगर कोई चीज़ चिपक जाती है तो ये ड्राई रहे, ये
देखिए अब इसके अंदर आपने इसको इतना भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना, इसको भी 2-3 मिनट इतना भूनना है कि इसकी जो महक होती है ना एक ख़ास किस्म की बेसन में, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अगर आपको लगे कि इसमें घी कम है तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपने फाइनल जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने इसमें डालना है देसी घी 2 चम्मच कम अज़ कम। ठीक है, और इसमें आपने खजूर, जो ये हमने जो खजूर की थी ना बॉयल, ठीक है, पीस के ना उसमें सख्त रहती हैं, हार्ड रहती हैं, आप जब इसमें रोस्ट करेंगे ये तकरीबन 1 प्याली होनी चाहिए। ठीक, आपके नट्स भी 1 प्याली होनी चाहिए, लेकिन हमारे सिर्फ अखरोट 1 प्याली हैं और बाकी जो है ये आपने इसको बिल्कुल रोस्ट कर देना खजूर को। ठीक है, ताकि इसका पानी जो था ना इसके अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो इसको रोस्ट कर लेंगे। तो फिर इसको देखें, खजूर आपकी बिल्कुल खुश्क हो गई, उसने घी छोड़ दिया, इसका मतलब इसका पानी ख़त्म हो गया। ठीक है, इसमें अब आप थोड़ा सा गुड़ डाल दें, 2 चम्मच गुड़, हल्के से मीठे के लिए, क्योंकि इसमें कम है तो आप थोड़ा सा गुड़ डाल दें। ठीक है, जब गुड़ डालेंगे ना, पिसा हुआ गुड़ है ये, शक्कर भी डाल सकते हैं आप, चीनी भी डाल सकते हैं, ना भी डालें तो शुगर फ्री अगर खाना है भैया तो बच्चे भी खा सकते हैं, ख़वातीन खा सकती हैं। तो ये आपने इसमें ये डाल दिया। ठीक है, अब इसमें आपने जो भुनी हुई आपकी सूजी थी आपने वो डाल देनी है। ठीक है, ये और ये जो बेसन था आपने वो डाल देना है। ठीक है, और साथ में ना आपने इसमें जो आपका नारियल है ना, ये आपने डालना है ये। ठीक है, और इसमें जो ये जो किशमिश थी आपकी जिसको आपने धोया था, इसको आपने डालना है थोड़ी देर उसको दरमियान में ऐसे, ताकि इसका पानी निकल जाए। ठीक है, इसको 1-2 मिनट पहले कर लें, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। ठीक है, ये मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर क्या चीज़ डालनी है, वो जो चीड़ कमरकस हमने रोस्ट की थी उसको पीसा, पीस के ये शक्ल इसकी बन गई, ये पेस्ट बन गया। अब आपने इसको डाल के इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दें। ठीक है, ये ख़ास अय्याम के लिए बच्चियाँ खाएं, वो भी बहुत अच्छी हैं, जिसके घुटने दर्द करते हों, नज़र कमज़ोर हो, उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनको वीकनेस जिस्म में महसूस होती है कि वीकनेस बहुत है, उनके लिए बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए तो है ही अच्छा ना ये। और अगर नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह जो रेसिपी बताऊंगी उसमें सौंफ बताऊंगी कि नज़र के लिए कैसे आप उसमें 4 मगज़ और वो चीज़ें इंशाल्लाह वो नेक्स्ट उसमें आपको मैं बताऊंगी रेसिपी में। तो ये तिल सफ़ेद और थोड़े से ब्लैक भी इसमें डाले थे, ये थोड़े से आपने तिल इसमें डालने, थोड़े से बीच में डालने, थोड़े से बाकी जो है ना हमने इसको कोटिंग के लिए रखा हुआ है। अब ये सारे इसमें नट्स आप डाल दें, ये सारे नट्स आपने इसमें डाल देने हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह, अच्छा जी, अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ठीक है, 1 आध मिनट बस, ज़्यादा नहीं मिक्स करना क्योंकि सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। ठीक है, अब आपने चूल्हे को कर लेना है बंद। ठीक है, मिक्स कर लें ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। ये आपने ना इसको जैसे गोल गोल नहीं होता लड्डू, उस टाइप का बना दें और इसको आप ये फिलिंग करते जाएं। ठीक है, फिलिंग करते जाएं और ये रख दें। आप इसको चकोर शेप में बना सकते हैं, बर्फी की शक्ल में बना सकते हैं आप इसको। ठीक है, और आप इस तरह भी इसको रख सकते हैं, लेकिन ये होता है कि एक जो लड्डू की शक्ल का बन जाता है ना, तो इसको आप खा सकते हैं, किस तरह रात को सोते वक्त दूध के साथ खा सकते हैं, और जो बच्चे पेशाब कर देते हैं बिस्तर में उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, और जो ख़वातीन की कमर में बहुत दर्द होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। बस जिनको बीपी है वो बस एक खाएं, ज़्यादा ना खाएं, तो बच्चे 2 भी खा सकते हैं, नॉर्मल जो इंसान है वो 2 भी खा सकते हैं। ठीक है जी, ये मेरी हेल्दी फूड जिसको हम लड्डू कहते हैं, ये सर्दियों के स्पेशली ये मेरे तैयार हैं। मैं इसको चखूंगी और चखकर बताऊंगी कितने मज़ेदार हैं, बताई सॉफ्ट, बहुत मज़े के। थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो ये उसके बाद ये टूटेंगे, अभी तो ये सॉफ्ट है, ये देखें कितने नरम है, ये देखें। ठीक है, ये देख लें, तो इसको आप खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे बने हैं,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें, थम्स अप दें और मुझे कमेंट्स करके बताएं। अल्लाह हाफिज़।